आज हम आपको बेंजोडाइजेपिन की सिंथेसिस पढ़ाने वाले हैं। बेंजोडाइजेपिन एक सीडेटिव और हिप्नोटिक्स टाइप्स का ड्रग है, ठीक है। उसमें बेंजोडाइजेपिन एक कैटेगरी दिया गया है, उसके अंतर्गत आपका आता है डायजिपम। यानी कि जब बेंजोडाइजेपिन का हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें एक डेरिवेटिव से उसका कंपाउंड होगा जिसको हम लोग कहते हैं डायजिपम, ठीक है। डायजिपम को हम लोग वैलियम नाम से भी जानते हैं, इसका सिनोनिम है। वैलियम ऐसा मतलब मार्केट में जेनरिक ड्रग के नाम से आता है, तो इसको नॉर्मली हम लोग वैलियम भी कहते हैं। ये डायजिपम ये आपका मेन ड्रग है, ठीक है। ये मार्केटेड नाम है, यानी कि जेनरिक नाम है, इसको वैलियम के नाम से ये मार्केट में ये प्रोडक्ट आता है। अब मेन हम लोग इसकी सिंथेसिस पढ़ना है कि बेंजोडाइजेपिन का डायजिपम जो है कैटेगरी, इसकी सिंथेसिस कैसे परफॉर्म की जाती है। तो इसके लिए हम लोगों ने पहला लिया है प्राइमरी प्रोडक्ट, यानी कि प्राइमरी कहते हैं जो हम लोग जिससे सिंथेसिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्राइमरी प्रोडक्ट है 4-क्लोरोएनिलीन, ठीक है। ये 4 पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है और 4 क्लो यानी कि जो बेंजीन रिंग है 1, 2, 3 एंड 4 4 पोजीशन पे ये क्लोरीन ग्रुप लगा है, इसलिए इसको कहते हैं 4-क्लोरोएनिलीन। यानी कि बेंजीन ग्रुप से एक अमीन ग्रुप आपका अटैच हुआ है, तो जो क्या होता है बेंजीन पे जब अमीन ग्रुप अटैच हो तो उसको एनिलीन कहते हैं। तो 4 पोजीशन पे एनिलीन के क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए 4-क्लोरोएनिलीन करते हैं। प्लस बेंजोइल क्लोराइड, ये है आपका बेंजोइल क्लोराइड। आपका सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या है, बेंजोइल, यानी कि आप 4-क्लोरोएनिलीन एंड बेंजोइल क्लोराइड के एक साथ मिक्स करके और फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन एक नेम रिएक्शन होता है उसके थ्रू हम लोग इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द जिंक क्लोराइड के, ठीक है। तो इसके बाद जब दोनों को हम एक साथ मिक्स करते हैं और फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन प्रोसेस करते हैं तो थिंक उसके बाद हमारा ये वाला कंपाउंड बनता है। यहाँ पर क्या हुआ है कि नॉर्मली आपका H यहाँ पे जो Cl लगा था वो और यहाँ का एक हाइड्रोजन वो निकला, यानी कि -HCl, एक HCl रिमूव हुआ है और यहाँ पे ये वाला ग्रुप आकर के अटैच हो गया इस पोजीशन पे, ठीक है। इस पोजीशन पे ये अटैच, क्योंकि क्यों अटैच हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन हो रहा है। फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स, यानी कि बेंजीन ग्रुप के इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है। मैक्सिममली ये बेंजीन के लिए ही ये रिएक्शन क्या होती है, फॉलो की जाती है। तो यहाँ पे बेंजीन के साथ ही, तो यहाँ पे फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन का मतलब क्या है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है और कहीं अटैच ना होकर इसका इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एरोमेटिकली इसका क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ठीक। फिर देन हम लोग ने इसको क्लोर एसिटाइल क्लोराइड के साथ इसको हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। फर्दर देन हम लोग इसको क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आपका Cl CH2 CO Cl है, ठीक है। तो यहाँ पे एक Cl आपका क्या हो रहा है, रिमूव हो जा रहा है, इसका अमीन का एक हाइड्रोजन और इसका Cl रिमूव होकर के क्या हो रहा है, बाकी ये CO CH2 Cl आकर के यहाँ पे अटैच हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे NH CO CH2 Cl और बाकी की सारी चीज़ आपकी क्या है, एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे CO CH2 Cl अटैच हो गया। फिर देन हम यहाँ पे क्या करें, अमोनिया के साथ और अमोनिया साथ रिएक्शन कराते हैं और जिसमें क्या साइक्लाइजेशन, साइक्लाइजेशन का मतलब क्या, ये यहाँ पे ओपन चेन है। अब यहाँ पे जब अमोनिया साथ सिंथेसिस कराएंगे तो यहाँ पे जो आपका ओपन चेन है एक रिंग चेन में आ जाएगा, यानी कि क्लोज हो जाएगा। जो चेन आपका ओपनली है वो क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन प्रोसेस के थ्रू वो क्या हो जाएगा, एक अलग सा एक मेंबर बन जाएगा, यानी एक साइकिल फॉर्म में आ जाएगा। जिस देखिए यहाँ पे कोई भी ये साइकिल आपका बन गया, तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है और एक आपका HCl रिड्यूस हो जाएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है और एक HCl, वो देखिए बाकी सारी चीज़ें कैसे बनी है। ये वाला कंपाउंड देखिए सेम NH NH CO CO, ठीक है। CH2 CL CH2, ये वाला पोजिशन क्या है आपका CH2, और ये Cl आपका रह गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, यहाँ पे N है, यानी कि ये अमीन का नाइट्रोजन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसका जो H3 है ये पूरा ही टोटली एक आपका HCl के फॉर्म में, यानी कि इसका जो Cl है उसके फॉर्म में निकला है, और एक जो हाइड्रोजन है H2 वो इसके साथ O के फॉर्म, यानी कि H2O और एक हाइड्रोजन Cl से, यानी एक यहाँ पे HCl निकल रहा है और एक आपका क्या निकल रहा है, H2O निकल रहा है,
एक यहाँ पे H2O निकल रहा है और एक आपका क्या निकल रहा है, HCl निकल रहा है, ठीक है। जब ये दोनों रिमूव होते हैं उसके बाद ये वाला प्रोसेस आपका, यानी कि ये वाला कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्डाइजिपॉम, ठीक है, नॉर्डाइजिपॉम। अब हमको क्या बनाना है, डायाजिपॉम, और ये बन रहा है नॉर्डाइजिपॉम। तो यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्डाइजिपॉम को हम लोग मिथाइलेशन करते हैं, किसके साथ, मिथाइल आयोडाइड के साथ, CH3I मिथाइल आयोडाइड के साथ इसका सिंथेसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द DMF। DMF का मतलब होता है डाई मिथाइल फार्माइड, ये एक तरह का कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन की रेट को इन्हेंस करने में और उसको कंप्लीट करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्डाइजिपॉम का सिंथेसिस हम लोग मिथाइल आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द DMF के प्रेजेंस में कराते हैं, जिससे क्या होता है, मिथाइलेशन होता है। और यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है वो किस में, वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिथाइल ग्रुप आकर के अटैच हो जाता है, जिससे हमारा नॉर्डाइजिपॉम कन्वर्ट किस में हो जाता है, डाइजिपॉम। अब बाकी का सारी चीज़ें एज इट इज सेम है, बस यहाँ पे एच आपका रिमूव होकर के यहाँ पे क्या हो गया, CH3। नॉन डाइजिपॉम क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि डाइजिपॉम आपको जब डीमिथाइलेशन कराएंगे तो नॉन डाइजिपॉम में कन्वर्ट होगा, और नॉन डाइजिपॉम का जब मिथाइलेशन कराएंगे तो वो डाइजिपॉम में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों की स्ट्रक्चर एकदम ही सेम है, बस एक मिथाइल ग्रुप का क्या है यहाँ पे डिफरेंस है, और मिथाइल ग्रुप ना होने की वजह से ही इसको हम लोग कहते हैं नॉन डाइजिपॉम। ये आपकी सिंथेसिस है डाइजिपॉम की, ठीक है, जो बेंजोडाइजिपॉम से रिलेटेड है। इसका यूज़ क्या होता है कि ये एंटी एनग्जाइटी में यूज़ होता है, एंटी कन्वर्सेंट में यूज़ होता है, सीडेटिव हिप्नोटिक्स की तरह, यानी सीडेटिव हिप्नोटिक्स में भी ये डाइजिपॉम ड्रग का क्या होता है, यूज़ होता है। अगर एज अ सीडेशन के लिए हम लोग यूज़ करना चाहें तो डाइजिपॉम को एज अ रिक्वायरमेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आपकी डाइजिपॉम की सिंथेसिस। थैंक यू।